हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे नील कमल लिमिटेड के एनालिसिस करेंगे और इसके एनालिसिस में देखेंगे हम लोग इस शेयर में फ्रेश बाइंग कब कर सकते हैं। ये आज के दिन 4% के आसपास गिरावट दिखा रहा है हम लोगों को, तो और ये कितना नीचे गिरेगा, ठीक है, इसका हमारे लिए अगर हम लोग फ्रेश एंट्री लेते हैं तो SL क्या होगा, आने वाले समय में किस तरीके का प्राइस एक्शन दिखा सकता है। तो इन सभी चीज़ों को अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो 1 डे टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो हम लोगों को यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन दिख रही होगी, ठीक है। ये जो ट्रेंड लाइन है यहाँ पे ब्रेकआउट होने के कगार पे था, लेकिन आज के दिन हम लोगों को सेलिंग देखने को मिल रहा है। प्लस ऊपर से अगर हम लोग नीचे से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो कुछ इस टाइप से यहाँ पे हमारे पास ट्रेंड लाइन आएगा। तो अगर इस ट्रेंड लाइन के आसपास कुछ भी यहाँ पे प्राइस एक्शन मोमेंटम बनता है और ऊपर की ओर ब्रेकआउट मिलता है तो हम लोग बाई कर सकते हैं, क्योंकि ये धीरे धीरे एक नैरो रेंज में जा रहा है। देख रहे हैं यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे प्राइस एक्शन बना रहा है और एक नैरो रेंज में जा रहा है। जो भी सेलिंग का प्रेशर है, मैं चार्ट थोड़ा सा यहाँ पे जूम आउट कर देता हूँ, यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ठीक है, ये हमारे पास ट्रेंड लाइन है यहाँ पे, और अगर इन दोनों पॉइंट को टच करेंगे तो इस तरीके से हमारा ट्रेंड लाइन बनेगा। यहाँ पे जो सेलिंग प्रेशर था बहुत ही ज़्यादा डीप था, उसके बाद का सेलिंग देखेंगे यहाँ पे कम होता हुआ नजर आया और फिर से पिछली बार से कम, क्योंकि ये जो लो है वो ये हमारा यहाँ पे ब्रेक नहीं हुआ है और यहाँ पे फिर से अपर लो लगा और हायर भी हाई भी यहाँ पे लास्ट टाइम का इसने ब्रेक कर दिया है, तो हायर हाई वाला भी फॉर्मेशन यहाँ पे बन रहा है। तो अभी देखेंगे फिलहाल कुछ इस टाइप से नीचे की ओर गिर रहा है। तो अगर इस ट्रेंड लाइन पे अगर ये यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम पे हम जाके देखेंगे, अगर यहाँ पे सपोर्ट लेगा 1 आवर टाइम फ्रेम पे कोई बुलिश पैटर्न बनाएगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बाई कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों को एक कन्फर्मेशन की यहाँ पे जरूरत है। अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा मैं फिर से चार्ट जूम आउट करूंगा तो अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे जो ये इसने बाउंस बैक लिया है, ये लगभग लगभग इन लेवल्स के आसपास से लिया है। ये लेवल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे इस ये देखिए ब्रेकआउट लेवल था, और जो भी ब्रेकआउट लेवल होता है ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। और ये यहाँ पे इसने हाई लगाया 3200 के आसपास का और लो लगाया 1600 के आसपास का, तो ये ऑलमोस्ट 50% यहाँ पे करेक्शन हुआ इसमें, क्योंकि ये जो रैली थी बहुत ही अच्छी रैली थी और बहुत ही अच्छी रैली देने के बाद 50% करेक्शन हुआ। 50% करेक्शन हेल्दी करेक्शन माना जाता है, अगर 50% से शेयर ऊपर की ओर रिटर्न होने लगता है तो ठीक है। तो ये अच्छा खासा यहाँ पे रिटर्न होता हुआ भी हम लोगों को नजर आ रहा है और ऊपर की ये वाली जो ट्रेंड लाइन थी उसको ऑलरेडी इसने ब्रेक कर दिया है। फिलहाल देखेंगे यहाँ पे एक अच्छा सिचुएशन बन रहा है, आज के दिन यहाँ पे गिरावट है तो हम लोग इसमें बाई करने के बारे में इसे सोचेंगे, राइट। तो यहाँ पे कुछ इस टाइप से हम लोगों को यहाँ पे पैटर्न नजर आएगा। देखेंगे एक चैनल में गिर रहा था ऊपर की तरफ, ऑलरेडी इसने 3 बार 4 बार यहाँ पे 5 बार आज के दिन 6 बार यहाँ पे इसने ट्राई कर लिया है, ऑलरेडी 6 टाइम इसने यहाँ पे ट्राई कर लिया ऊपर ब्रेक करने की, और नीचे की ओर देखेंगे 1 2 3 4 5 टाइम्स इसने ट्राई किया है। और यहाँ पे ये 2000 के लेवल को सपोर्ट कर रहा है और यहाँ पे इन्हीं लेवल के आसपास से फिर से वापस निकला है। तो हम लोग बाई किस लेवल पे कर सकते हैं, उसके लिए अभी हम लोग को 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा, जैसे मैं आपको बता रहा था। तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे अब हम लोग यहाँ पे चले जाते हैं, एंड 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो हम लोगों का जो ट्रेंड लाइन रहेगा, ठीक है, ओके ओके, 1 आवर टाइम फ्रेम पे हमारा जो ट्रेंड लाइन रहेगा, ये जो ट्रेंड लाइन थी, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन तो उसने यहाँ पे ब्रेक कर दिया था और ब्रेक करके नीचे की ओर आ रहा था। तो अभी हम लोग जो लास्ट टाइम लो लगाया था उसको एज अ ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो इस टाइप से कुछ सिचुएशन क्रिएट होगी। आज जो सेलिंग का कैंडल है, आज सेलिंग के कैंडल बहुत बड़े बड़े नज़र आ रहे हैं हम लोगों को 1 आवर टाइम फ्रेम पे, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे बाइंग तो बहुत ही अच्छा हुआ था लेकिन ये बाइंग सस्टेन नहीं कर पाया और 1 आवर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एम टाइप पैटर्न बना के नीचे और गिर रहा है। तो एटलीस्ट इतना ये नीचे गिरने वाला है, ये कितना लेवल हो जाएगा देखेंगे, 2175 से 2150 75 तक है, ऑलमोस्ट 100 रुपीज़। तो यहाँ से 100 रुपीज़ जाएंगे तो 2075 तक का हम लोगों को लेवल नजर आएगा, और देखेंगे इन्हीं लेवल के आसपास से आज इसने लो लगाया है और फिर से ग्रीन कैंडल बनाने की कोशिश कर रहा है। अच्छी बात ये होगी अगर ये इस तरीके से इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट कर ले, इस ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट करेगा तो अच्छी बात ये हो जाएगी, मतलब अगर इस तरीके का कोई बेस बनता है तो हम लोग बाई कर सकते हैं, क्योंकि हमें SL मिल जाएगा और यहाँ पे एंट्री मिल जाएगी, ठीक है। तो एंट्री और SL मिल गया तो हमारा प्रॉफिट यहाँ पे डिसाइड हो जाएगा, हम लोग को 1:2 बुक करना है और उसके बाद स्टॉप लॉस ट्रेल करके ऊपर की ओर लेके जा सकते हैं। लेकिन अगर ये वाला जो सेलिंग हुआ है यहाँ पे, इसको पहले ऑब्जॉर्व होने देंगे, ऑब्जॉर्व मतलब अगर यहाँ पे ये जब तक ये वाला जो बड़ा वाला रेड कैंडल है, जब तक ये 2150 के ऊपर नहीं यहाँ पे कैंडल अब निकलेगा तब तक बाइंग के बारे में कोई भी अभी प्लानिंग नहीं करेंगे, क्योंकि इसका 50% के ऊपर निकल रहा है मतलब बायर इंटरेस्टेड है और जो सेलर यहाँ पे सेल करके गए हैं वो अपनी पोजीशन यहाँ पे लूज करेंगे और यहाँ पे बायर इसको फिर से ऊपर की ओर ब्रेकआउट देने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे इन्हीं लेवल से फिर से अगर इसको रेजिस्टेंस मिलता है, जैसे हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है, ऊपर से गिरते समय जाते समय यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया है और ऊपर से गिरते समय यहाँ पे सपोर्ट लिया नहीं है इसने, तो जब ये ऊपर की उड़ जाएगा तो इन्हीं लेवल के आसपास इसको रेजिस्टेंस मिलेगा और हो सकता है आने वाले
वाले समय में इस तरीके से प्राइस एक्शन बनाए और इन्हीं लेवल के आसपास, मतलब 2075 के आसपास लेके 2050 के आसपास ये इस ट्रेंड लाइन को टच करे। अब ट्रेंड लाइन पे अगर हम लोग देखेंगे, यहाँ पे एक रेड कैंडल बन गया, फिर एक ग्रीन कैंडल बन गया। जैसे इस ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक होगा, मैं बाई करूंगा और मेरा स्टॉप लॉस क्योंकि बहुत ही छोटा रहने वाला है, और जो मेरा टारगेट रहेगा मिनिमम 1:2 तो रहेगा ही, प्लस ये वाला ऊपर वाला जो ट्रेंड लाइन है इसके ब्रेकआउट का मैं यहाँ पे वेट करूंगा। ठीक है, अगर यहाँ पे ब्रेकआउट मिल जाता है 2250 का यहाँ पे, तो फिर मैं इसको होल्ड करूंगा और अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रेल कर लूंगा, ताकि अगर ये ऊपर से नीचे भी आए तो एटलीस्ट हम प्रॉफिट में अपना पोजीशन एग्जिट करें, ना कि लॉस में। और यहाँ से ऊपर निकलेगा जब हमें अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, यहाँ पे जो हमने यहाँ पे रिस्क लिया होगा, ठीक है, उसका यहाँ पे 1:3 1:4 जब प्रॉफिट मिल रहा होगा, तो हम लोग इसको एग्जिट कर सकते हैं, स्टॉप लॉस ट्रेल कर करके अपनी प्रॉफिट यहाँ पे लॉक कर सकते हैं। तो इस तरीके का सिचुएशन यहाँ पे बन रहा है, तो हम लोग इसके बारे में सोच सकते हैं। अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये इस तरीके के चैनल में अभी ट्रेड कर रहा है, तो हो सकता है आने वाले समय में, ठीक है, ये यहाँ पे ऊपर की ओर जाएगा, अगर यहाँ से सपोर्ट लेके जाता है तो इन लेवल्स को ये टच कर सकता है। तो आप इसको अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छा चैनल पैटर्न मुझे ये नज़र आ रहा है, ठीक है। और ये चैनल पैटर्न जब भी यहाँ पे ब्रेकआउट होगा तो अच्छे खासा ये ऊपर की ओर मोमेंटम दे सकता है, क्योंकि ऑलरेडी ये जो 50% मोमेंटम था इसका यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है। ब्रेकआउट देने के बाद ये यहाँ पे होवर कर रहा है, ठीक है, होवर कर रहा है, करेक्शन हो रहा है। जब यहाँ पे फिर से एक ब्रेकआउट मिलेगा तो ये जो हमारा है, ठीक है, इसका 1:2 प्लॉट करेंगे तो अप्रॉक्स यहाँ पे देखेंगे लगभग लगभग हम लोगों को 3000 के आसपास का, मतलब 2900 3000 के आसपास का हम लोगों को टारगेट देखने को मिल सकता है आने वाले समय में। तो अगर ऐसा होता है तो बहुत ही अच्छा हम लोग प्रॉफिट यहाँ से बना सकते हैं। नीलकमल का अच्छा खासा नाम है, तो आप इसका फंडामेंटल चेक करके लॉन्ग टर्म जाना हो तो उसके बारे में सोच सकते हैं, और नीचे के लेवल पे बाई करने के बारे में सोच सकते हैं। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।